अमित अमित रुक जा अमित अमित क्या कर रही हैं आप अमित क्या कर रही हैं रुक जा प्लीज अमित दरवाजा खोले अमित मैं अभी आज के बगैर कुछ नहीं करूंगा इतना प्लीज दरवाजा खोले अमित प्लीज रुक जा प्लीज अमित अमित रुक जाए प्लीज ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे जुनैद के साथ जाने देते या फिर जब ताई जान लेने के लिए आई थी तब चली जाती तो ये सब नहीं होता। बेटा ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खुशियों की खातिर किया है। खुशियां? सच तो ये है कि आप चाहते ही नहीं कि मेरा रिश्ता कायम रहे जुनैद के साथ। तभी आपने ये शर्तें रखी हैं ताईजान के सामने। आप जानते हैं वो कभी ये शर्तें नहीं मानेंगी। अगर आपको यही सब करना था तो क्यों शादी करवाई मेरी जुनैद से? मरने देते मुझे? यू हर रोज तो नहीं मरती ना मैं? ईशल ईशल मेरी बात ऐसे क्या देख रही हो? आपने ऐसा क्या किया है जो रुखसाना भाभी जानती है और मैं नहीं जानती? ऐसा कौन सा राज है जो रुखसाना भाभी सारी दुनिया को बताना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगी आप अपना चेहरा छुपाते फिरेंगे? ऐसा कुछ नहीं है समाध। वो तुम दोनों मां बेटियों के दिल में गलत फहमी पैदा करना चाहती है। मुझे तुम लोगों की नजर में नीचा दिखाना चाह रही है। उसकी भी तो कोई वजह होगी ना। ड्रामे इसके, इतनी देर में तो सारा घर जल जाता। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं आइंदा आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करूंगा। मैं ईश्वर से मिलने भी नहीं जाऊंगा, उसका नाम तक अपनी जबान पर नहीं लेकर आऊंगा, उससे बात भी नहीं करूंगा। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे अम्मी, मगर आप मुझसे वादा करें आप ऐसी हरकत आइंदा नहीं करेंगी। प्लीज अम्मी, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाए कि आप ऐसा नहीं करेंगी।